गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है आज है फर्स्ट ऑफ नवंबर 2023 वेडनेसडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बुरवा मंथ का शुरुआत नवंबर महीना इस कैलेंडर ईयर का और दो महीना बाकी है सो so, कल डिफरेंट करेंसी पेयर्स में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है और यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आइए उसके लिए चार्ट में चलते हैं चार्ट ये जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स अभी है आपका 106.71. पहले हम डॉलर येन पे चलते हैं. कल बीओजे का रेट डिसीजंस था, जहां पे एवरीथिंग रिमेन अनचेंज्ड, लेकिन उनका जो वाईसीसी फ्लेक्सिबिलिटी था, उसको 1 परसेंट एक्सटेंड कर दिया, जिसके कारण डॉलर येन जो आपका 149 149.50 के आसपास था वो 15175 तक चला गया अभी 151.23 सो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये तो बुलिश है लेकिन काफी समय से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि BOJ will start selling अराउंड 150 लेकिन ये जो पॉलिसी आया BOJ का रेट डिसीजंस वहां पे जो उन्होंने ट्विक किया ट्विक करके उनको पता था कि ट्विक करने के बाद एन फर्दर डिप्रिशिएट होगा 150 का लेवल क्रॉस करके ये 151, 151.50 ये सब लेवल और भी ऊपर चला जाएगा जानबूझ के भी उन्होंने वाई में ट्विक किया दैट मीनस दे आर कॉम्फर्टेबल विथ 150 लेवल्स सो so, अभी हमें नए सिरे से डॉलर इन का प्राइसिंग देखना पड़ेगा सो so, पहले जैसा हम ब्लाइंडली इंतजार कर रहे थे कि होगा, 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 लेकिन वैसा as of now, हमारा perspective change होना चाहिए। so, आते हैं डॉलर इंडेक्स डॉलर इंडेक्स यहाँ पे जो दो जोन है ऊपर के तरफ 10680 एंड नीचे के तरफ 10560। इसके बीच में साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है अभी ब्रेकआउट होना जरूरी है आइदर साइड क्या ये ऊपर तरफ 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 होगा होगा या नीचे के तरफ होगा? That was the main questions. अभी अगर ऊपर होते हैं in such a case, 10730 से रेजिस्टेंस एरिया सो क्या अगर ये ऊपर के तरफ ब्रेकआउट करते हैं क्या ये इस एरिया में इस जोन में रेजिस्टेंस लेता है ये हमें देखना पड़ेगा डॉलर रुपी एज यूजुअल आपका साइडवाइज कंसोलिडेशन चल रहा है ऊपर में इनविजिबल हैंड्स आ रहे हैं बट यही एज यूजुअल एज यूजुअल करते करते सडनली कब धमाका हो जाएगा किसी को हवा नहीं लगेगा सो बी केयरफुल बी केयरफुल इसीलिए द मोमेंट इनविजिबल हैंड्स एक ब्रेक लेते हैं एक पॉज लेते हैं तो एक धमाका हो सकते हैं वो धमाका दिवाली के धमाके से भी ज्यादा हो सकता है ये जो रशिया यूक्रेन का धमाका हुआ उससे भी ज्यादा हो सकते हैं ये जो आपका हमास पैलेस्टाइन का जो क्लैश चल रहा है उससे भी ज्यादा धमाका हो सकता है क्योंकि हम यूजुअल हो गए हम कैजुअल हो गए यहाँ पे कैजुअल होके अगर हम सेल करते हैं जब तक इनविजिबल हैंड्स का हाथ रहेगा तब तक सब कुछ सही है लेकिन एक बार इनविजिबल हैंड्स पॉज लेते हैं थोड़ा घूमने जाते हैं थोड़ा बोलते है चलो ठीक है बहुत हो गया अभी थोड़ा चाय पी के आते हैं तो खतरा हो सकता है, सो एस यूजुअल का यही एक्सप्लेनेशन है बी केयरफुल जितना ज्यादा कंसोलिडेशन उतना ही अलर्ट जीबीपी डॉलर आपका कंसोलिडेशन बेस आउट करने का प्रयास कर रहा है यहाँ पे जो जोन है 1.2050 ऑन द लोअर साइड एंड 1.2350 ऑन द हायर साइड ये जो तीन बिगी का रेंज है इस रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है अभी कंसोलिडेशन करने के बाद अगर इसको ऊपर जाना है तो ये आपका 12th अक्टूबर के हाई के ऊपर स्ट्रांग क्लोज देना पड़ेगा एल्स अगर ये नीचे तोड़ देता है तो एक फिर दोबारा एक नया जीबीपी डेप्रिशिएट करना चालू कर सकते हैं सो so, हमें इस कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट के बाद हमें देखना है क्या हो रहा है सिमिलरली gbp iene कंसोलिडेशन 100.25 ऑन द लोअर साइड एंड 102.75 ऑन द हायर साइड इस जोन में कंसोलिडेट कर रहे हैं। इसको कंसोलिडेट करने देते हैं कोई प्राइस एक्शन अगर बढ़िया सा मिलता है तो आई विल ट्राई टू कैप्चर दैट यहाँ पे हायर हाई हायर लो अभी ये जो हमारा 24 अक्टूबर का जो हाई है उसके ऊपर लो तो high, ये 24 अक्टूबर के हाई के ऊपर कल टच किया था लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया उसके ऊपर चौबीस अक्टूबर के हाई के ऊपर क्लोज देना था डॉलर ऑलरेडी डिस्कस एन आई जो सपोर्ट था आपका फिफ्टी फाइव ट्वेंटी फिफ्टी फाइव फिफ्टी उसको स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन किया अभी हमें नया पर्सपेक्टिव के साथ प्राइस को देखना है क्या नया पर्सपेक्टिव पहले ब्लाइंडली हम देख रहे थे कि यहाँ पे बेस आउट करके ऊपर जाएगा क्यों बिकॉज बीओ जे वन फिफ्टी को ऊपर की तरफ ब्रीच करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे लेकिन कल का जो पॉलिसी डिसीजन है उसमें इनडायरेक्टली दे आर टेलिंग ठीक है 150, 151 देखेंगे सो so, अभी वही जो देखेंगे हमें भी बेयोजे का फाइन फुटप्रिंट्स जो है वो हमें केयरफुली देखना है सो एज ऑफ नाउ जो हमारा लॉन्ग बायस था अभी थोड़ा हॉल्ट हो चुका है हमें इंतजार करना है नया फुटप्रिंट के लिए डॉलर कैंडी यहाँ पे देखिए ये जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको ऊपर की तरफ तोड़ने के लिए इंतजार तैयार रहे हैं। अभी देर आर हायर के फर्दर ऊपर की तरफ जा सकता है

तो कंसोलिडेट ही करने देते हैं एक बार ब्रेकआउट करते हैं और लोअर लेकिन ये जो कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन बहुत हो रहा है जैसे जितना ज्यादा कंसोलिडेशन उतना ही ज्यादा ऊपर की तरफ या नीचे के तरफ? यहाँ पे और भी एक कॉन्टेक्स देखना है Chinese economy. Chinese economy के साथ हमें

सो so, कंसोलिडेशन जारी है पीबीओसी को अपना हट हाँ छोड़ना है, है या चाइनीज इकोनॉमी को अपना मीन्स ग्रोथ दिखाना है टेन ईयर ट्रेजरी आउट से पहले ब्रांड क्रूड में आता है ब्रांड क्रूड में जो तीन लेवल था एक था 87 सपोर्ट दूसरा सपोर्ट था 84 अंडर रेजिस्टेंस 94 इस रेंज में कंसोलिडेट करना चाहिए क्योंकि इवेंट्स भी बने कब कौन किधर से आके कौन सा स्टेटमेंट देते हैं मैं इसराइल को तोड़ दूंगा मैं इसराइल को फोड़ दूंगा इस टाइप का कोई पागल <laughs> पागल नहीं बोलेंगे सबका अपना अपना सोच है वो अपना अपना थिंकिंग प्रोसेस के हिसाब से कौन किसको सपोर्ट करेगा अपना वो कौन साइंस है तो अकॉर्डिंगली कोई सडनली अगर कोई आके एक्सट्रीम कमेंट्स दे देते हैं तो ब्रेड कुट फिर पागल बन सकता है बट एज ऑफ नाउ ये शांति से है ये रेंज के अंदर में शांति है नीचे रेंज के मीन्स नाइनटी एटी के नीचे का 84 के नीचे काफी और फर्दर सॉफ्ट हो सकता है यूएस 10 ईयर ट्रेजरी 4.92 कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे एक कंटिन्यूसली लोअर हाई बना रहा है पहले ये वाला हाई था फिर ये वाला हाई अभी करेंटली ये वाला है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है लेकिन फर्दर जो पॉजिटिव इंडिकेशन होना चाहिए लोअर लो लोअर लो जा नहीं रहा लोअर लो क्लोज देना है US 2 year treasury 5.079 079 तो यहाँ पे ये कॉन्सोलीट कर रहा है ये आपका नाइनटीन अक्टूबर का हाई और ये ट्रेंड लाइन चैनल ट्रेंड चैनल के सपोर्ट के बीच में कॉन्सोलिडेट होने देते हैं सो करेंसी वीकली एनालिस अभी के लिए इतना ही इन ए नॉट करेंसी एनालिस इन ए नॉट डॉलर इंडेक्स अभी ये जो नैरो रेंज इसके अपर एंड में है अभी हमें देखना है क्या ये अपर एंड को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है इन सच केस 10730 से 108.00 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस जोन क्या इस जोन पे रेजिस्टेंस लेता है या नहीं लेता है हमें इंतजार करना पड़ेगा जीपीपी डॉलर में कंसोलिडेशन जारी है एक रेंज है आपका 1.2050 ऑन द लोअर साइड एंड 1.2350 ऑन द हायर साइड ये 300 पिप्स का एक थ्री बिगिस का एक कंसोलिडेशन जोन है इस कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलना पड़ेगा आइदर ऑन द हायर साइड अगर ये अप्रिशिएट करना है और ऑन द लोअर साइड इसको फर्दर डेप्रिशिएट करना है जब तक ये कंसोलिडेट करने करते हैं तब तक हमें प्राइस को साइलेंटली मॉनिटर करना है सिमिलरली जीबीपी आईएनआर भी ये आपका 100.25 एंड 102.75 के बीच में कंसोलिडेट कर रहे हैं ब्रेकआउट होने देते हैं यूरो डॉलर में आपका कंटीन्यूअसली हायर हाई हायर लो है अभी इंतजार है 24 अक्टूबर के हाई के ऊपर क्लोज देना जो अभी तक दिया नहीं है तो अगर क्लोज देते हैं तो ऊपर के लिए हम इंतजार कर सकते हैं इन एनी केस ये जो 13th अक्टूबर का लो है इसके लो के नीचे क्लोज नहीं करना है अदरवाइज ये जो हायर आई हायर लो का मोड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा एंड एंटर इन

हाई किया क्या भी हो तो उसके बाद क्या हुआ डॉलर येन आपका 149 से 15175 तक चला गया अभी ये नया पर्सपेक्टिव के साथ हमें देखना है पहले हम ये पर्सपेक्टिव था कि बीओजे 150 के ऊपर कंफर्टेबल नहीं होंगे लेकिन ये जो पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं नोइंग दैट मींस डॉलर येन 150 के ऊपर 151 के ऊपर जा सकता है आफ्टर द डिसीजंस डेस्पाइट दैट that they have taken that decision iska matlab kya hai they are comfortable yen to further depreciate that being the case is depreciations कहां तक जा सकता है उसके लिए हमें further price actions को monitor करना है in and and हम यहाँ पे बेस आउट करने का प्रयास कर रहे थे बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए जो अभी कल के bjo ke rate decisions के बाद निगेट हो चुका है अभी हमें नए सिरे से प्राइस को देखना है पर्सपेक्टिव को सोचना है डॉलर रुपये जैसे हम बोल रहे थे बहुत खतरनाक टर्म है क्योंकि ट्रेडर्स कैजुअल हो जाते हैं जब कोई कैजुअल हो जाता है तब जाके धमाका होने का हायर प्रोबेबिलिटीज होते हैं क्या हायर प्रोबेबिलिटीज इनविजिबल हैंड्स जब तक है तब तक सही है एक बार इनविजिबल हैंड्स पॉज लेते हैं तो धमाका होने का पॉसिबिलिटीज है क्या धमाका दिवाली का धमाका कैसे जो लोग यहाँ पे शॉर्ट बैठे हुए हैं वो लोग काटने के लिए बड़े बड़े कैंची से काटने के लिए मजबूर हो जाएंगे दैट इज नॉट गुड सो जो भी हो जो भी यहाँ पे शॉर्ट बैठ रहे हैं बी केयरफुल जो भी यहाँ पे लॉन्ग भी बैठ रहे हैं प्राइस को इंतजार कीजिए क्योंकि इतना आसानी से हम इनविजिबल हैंड्स को डिस्काउंट भी नहीं कर सकते दे आर मच मोर माइटियर देन एनी वन सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा इफ सो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए फ्रेंड सर्कल थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे है